अनुरूप 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर खरीदी का कार्य प्रारंभ हो चुका है। जिले में लगातार प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा छापामार कार्रवाई की जा रही है, जिससे अवैध रूप से धान भंडारण और परिवहन ना हो सके, इसके लिए जिले से लगी सीमा पर चेक पोस्ट भी लगाए गए हैं। वहीं आज बलरामपुर मुख्यालय में बलरामपुर तहसीलदार शबाब खान के नेतृत्व में विकेश कृषि केंद्र के गोदाम में छापामार कार्रवाई की गई, जहां से कुल 740 बोरी धान प्राप्त जब्त किया गया है। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए शबाब खान ने बताया कि हमें सूचना मिली कि गोदाम में अवैध रूप से धान का भंडारण है। सूचना के आधार पर हमने दुकान एवं गोदाम मालिक को बुलाकर उस गोदाम को जब खुलवाया तो हमें वहां से 740 बोरी धान के साथ साथ मक्का अन्य फसल भी मिले। साथ ही जाँच की जा रही है, जाँच के उपरांत निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी। विकेश कृषि सेवा केंद्र पे इस पे ऐसा हमको लग रहा था कि कुछ बोरी हमको दिखाई थी। जब हमने इसको देखा तो फिर इनको बुला के देखा और बुला के देखने पर हमें प्राप्त हुआ है, जिसमें कुछ चीज़ें प्राप्त हुई है।